कोरोना वायरस को लेकर शहर में लॉकडाउन शुरू है। ऐसे में रेड लाइट एरिया के महिलाओं पर अब भूख के मरने की नौबता पड़ी है। उन्हें एक टाइम की सिर्फ खाना मिल रहा है। इतना ही नहीं तो अब तक इस परिसर में डॉक्टरों द्वारा जांच तक नहीं की गई। यहाँ के कुछ महिलाओं को खांसी और जुकाम भी है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता संजय मीरे की एक खास रिपोर्ट। शहर का रेड लाइट एरिया ये वो एरिया है जहाँ पे सेक्स वर्कर काम करते हैं। ऐसे में यहाँ के महिलाओं के ऊपर में लॉकडाउन के चलते भूखे मरने की नौबत भी आ पड़ी है। इन महिलाओं के कामकाज पूरी तरह से बंद है। आप देख सकते हैं कि ये तमाम परिसर में कुछ बांस बल्लियां लगाकर इस मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। इस समय में हम नागपुर के उस रेड लाइट एरिया में है जहाँ पे ये जो जगह है यहाँ सेक्स वर्कर रहते हैं। आप देख सकते हैं, लेकिन जब से शहर में लॉकडाउन हुआ है ये पूरा यहाँ सन्नाटा सा छाया हुआ है। सभी जगहों पे यहाँ पे घरों में लॉक लग चुके हैं और लोग यहाँ से कई बाहर गए हुए हैं लॉकडाउन के चलते। यहाँ कोई नहीं है। जो कुछ लोग है वो उन लोगों को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये जानने के लिए आज इनबीसीएन की टीम आई हुई है। अब हम आपको चले आइए इस ओर चलते हैं, यहाँ देखते हैं कि कहीं ऐसे कोई ज़रूरतमंद बेसहारा लोग तो नहीं जिन्हें खाना नसीब नहीं हुआ है। जहाँ भी हमारी नज़र जाती है आप यहाँ भी देख सकते हैं। हमारे कैमरा पर्सन सुभाष को मैं बताने जाऊँगा। सुभाष, आप थोड़ा बताइए कि किस तरह से ये जो नज़ारा है, एकमात्र बिल्ली दिखाई दे रही है, पूरा सन्नाटा सा छाया हुआ है इस रेड लाइट एरिया में, लेकिन हमें ढूंढना होगा, ऐसे लोगों के पास जाना होगा जिन्हें खाना नहीं मिला है, हम उन तक भी पहुंचने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। आइए हमारे साथ। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ महिलाएं दिखाई दे रही है, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार उन्हें खाना मिल रहा है या नहीं, या और किन दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। आप बताइए कि यहाँ पे आपको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या सुविधाएं मिल रही है, क्या कोई दिक्कत है, क्या कहना चाहोगे आप? यहाँ पे एक टाइम खाना मिल रहा है और दूसरा टाइम खाना नहीं मिल रहा है। और बात यह है कि हमको साबुन सोडा लगता है, बाल बच्चे के दूध है, तबीयत पानी खराब है, तो कोई हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी साधन नहीं है, ना हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे नहीं, ना कोरोना वायरस इतना चल रहा है, हमको कोई चेक करने नहीं आ रही, ना कोई गोली दवा का साधन है, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर अचानक हम लोग को कोरोना हो गया तो हम क्या करेंगे? यहीं दम घुट घुट के मरेंगे हम तो घर नहीं। ये जो है काफ़ी जटिल समस्या है जिस प्रकार से इन्होंने कहा है, आप क्या कहना चाहोगे? हमारा बीपी का गोली खाते है, हमको गोली दवा नहीं मिल रहा है, ना हमको कोई चीज़ का सुविधा नहीं हो रहा है, साबुन सोडा नहीं मिलता, पैसा नहीं आता, सरकार के तरफ से पैसा पानी भी नहीं आता, पैसा पानी नहीं, हमको दवाई लेने के लिए पैसा भी जरूरी है, दवा पानी के लिए खर्चा पानी के लिए साबुन सोडा है सब कुछ, हम कहाँ से लाएंगे गोली दवा? पूरा 21 तारीख से अभी बंद हो गए तो हम कहाँ जाएंगे सर? बाहर जाने के तो हम जा नहीं सकते, ना कोई डॉक्टर आ रही, ना कोई इलाज नहीं कर रही, ना कोई झाँक के भी नहीं देख रही है, हम घर से बाहर जा नहीं सक रही है। हमारे लोग को खाना एक टाइम आ रहा है, नाश्ता दो टाइम आ रहा है, हम दवाई गोली खाता हूँ, अभी एक हफ्ते से मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है, हमको कुछ कोरोना वायरस हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? पैसा पानी नहीं, डॉक्टर लोग नहीं आ रहा है। अब आप क्या चाहते हो, क्या कहना चाहोगे जिला प्रशासन से? डॉक्टर आना चाहिए, हमको जांच होना चाहिए कि खाना मिलना चाहिए, डॉक्टर आगे हमको बीपी की दवाई उवाई खाता है, हमारा बच्चा है छोटा, उसके लिए भी सब चीज सुविधा होना चाहिए, सरकार के तरफ से कुछ पैसा, सरकार हमको मदद करना चाहिए पैसे के लिए। बिल्कुल, तो इस तरह के ये लोग है। थोड़ा पैन करके बताइए, कुछ महिलाएं अपने घरों के ऊपर में भी है जो कैमरा देखने के बाद कुछ लोग बाहर भी भाग रहे हैं, तो लेकिन लॉकडाउन जैसे हो चुका है लोग पूरी तरह से संयम बरते हुए हैं और अब अपने घरों में ही हैं। लेकिन आज हम जो रेड लाइट एरिया में हैं और यहाँ की जो बात सुने दिल दहला देने वाली बात है कि एक और जिला प्रशासन मदद की गुहार लगा रहा है, लोगों को मदद करते हुए नजर आ रहा है, कई संस्थाएं कामकाज कर रही है, मगर यहाँ का कुछ आलम इस प्रकार है जो जिस प्रकार से यहाँ के महिलाओं ने जो बात हमारे साथ बयां किया उससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ कोई भी जांच नहीं हो रही है। यह सबसे मुख्य बात है क्योंकि कोरोना वायरस ये संक्रमित ऐसा वायरस है जो जानलेवा साबित हो रहा है और सतरंजीपुरा ठीक इसी के पीछे में है जहाँ एक 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत भी हो चुकी थी। कहने का तात्पर्य है कि इन लोगों की जाँच होना चाहिए, इनके कई लोगों की जो है तब
इनको अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत इनकी ठीक नहीं लग रही दिखाई दे रही है, ऐसे में एक टाइम का इन्हें खाना भी नसीब हो रहा है और सुबह का खाते रात को तो वे भूखे सो रहे हैं, जबकि शहर के कई ऐसी सही संस्थाएं हैं कि जो ऐसे लोगों को, ज़रूरतमंदों को खाना के देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अफसोस कि इनकी और खाना नहीं मिल रहा है। और ख़ास बात यह है, खाने से भी एक कदम आगे बढ़ के मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्हें जाँच नहीं हो रही है, ऐसे में जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे और यहाँ पर डॉक्टर की टीम बुला है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी खांसी जुकाम के कई ऐसे लोग दिखाई दिए, उनकी जांच करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोरोना वायरस ये किसी जाति धर्म पंथ या किसी रंग रूप को लेकर देकर नहीं आता है, वो जब भी आता है पूरी तरह से मौत की दस्तक दे के आता है, और हो सकता है कि कोरोना वायरस के मरीज यहाँ भी नहीं पॉजिटिव तो निगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जाँच करना जरूरी है, यही पुकार रेड लाइट के तमाम महिलाओं ने की है। नागपुर के इस रेड लाइट एरिया से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।